प्लीज तस्वीरें अगर हो गई हैं तो प्ले करिए। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, मैं किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं। यहां कौन कम है कौन पीछे है, एक कहता है कि मैं 25,000 की भीड़ जुटा गया तो दूसरा कहता है 50,000 की, फिर तीसरा कहता है कि 1,00,000 की भीड़ मैंने जुटा दी। अब बताओ, अगला कहता है कि 1,50,000 की मैं भीड़ जुटा के दिखाऊंगा। सब एक से बढ़कर एक, किसी को कोई परवाह नहीं, ना कोरोना की गाइडलाइंस, ना ताली ना थाली, ना लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मास्क तो भूल ही जाइए, भूल जाइए, ना नेता लगा रहे हैं ना पब्लिक लगा रही है। जब नेता ही मन से ये कहे कि कोरोना चला गया, तो फिर कोरोना चला गया, चला गया। फिर संदीप दुबे, ये तस्वीरें वाकई सवाल नहीं खड़ा करती आप लोगों के जहन में, या सिर्फ चुनाव जीतना ही आप लोगों का मकसद है? पद पे हो, कहीं भी हो, किसी भी पार्टी में हो, दल में हो, अधिकारी हो, या किसी से संबंध रखता हो, सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। नहीं, नैतिक जिम्मेदारी जब आप मंच पे खड़े होकर बोले कि वाह भीड़ को देख के गदगद हो गया, इतनी भीड़ को देख कर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं देख पा रहा हूँ, ना मुझे कोई चित्र दिखा है। नहीं नहीं, चित्र जनता, आप तो ऐसे अनजान बन रहे हैं। बीजेपी के नेता सबसे ज्यादा कहते हैं कि देखिए हमारी रैलियों में भीड़ देखिए, हमारी रैलियों में भीड़ देखिए, क्या विपक्ष की रैलियों में भीड़ है? चेक करना चाहिए संदीप दुबे, सिर्फ चुनाव ही जीतना है, चुनावी नगाड़ा बचा दो। 365 दिन आप लोग तो रहते हैं चुनावी मूड में ना, मूड में रहते हैं हर वक्त। मैं ये कह रहा हूं कि कोरोना की आहट से और पिछला इतिहास जो हमने देखा, जो मंजर देखा, उससे सबक लेने की बजाय हम ये कहें कि नहीं, हम तो चुनाव जीतेंगे, रैलियां चलती रहेंगी, जिंदाबाद मुर्दाबाद चलता रहेगा, और कोरोना तब तक नहीं आएगा जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाएगा। जैसे चुनाव खत्म होगा कोरोना आ जाएगा, और फिर जनता की जेब गई, जान भी गई और जहान भी गया, लेकिन चुनाव जीत गए हम। बहुत बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, और उस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। इस समय हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, वो हम किसी भी पक्ष के हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल में हो, किसी विचार को मानते हो, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि इस विषय को आपने निष्पक्ष तरीके से रखा, और हम सब लोग को भी आईना दिखाने का आप काम कर। नहीं नहीं, हमें सैल्यूट मत करिए, मैं लगातार कह रहा हूँ, हमारी 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 मुहिम जो है वो कॉम्युनल वायरस फैलाने की नहीं है, कॉम्युनल वायरस नहीं फैलाते हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप लोगों की जो जिम्मेदारी है, आप उसका निर्वाण क्यों नहीं कर रहे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सीधे तौर पर जो माइग्रेंट लेबर्स, अब मैं मुद्दे पर आ रहा हूं, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, हमने सीखा ना, आप भूल सकते हैं क्या? आप लोग भूल सकते हैं जो नंगे पैर सैकड़ों मील चले, वो बच्चे, वो भूखे पेट, दूध नसीब नहीं हुआ रास्ते में, सैकड़ों मील तक पैदल चले गए, घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, जिंदा या रास्ते में मर जाएंगे, पटरियों पर मर गए लोग। वो कौन सा राष्ट्रहित था, वो कौन सा राष्ट्रहित था जब पटरियों पर मजदूर मर गए? आज हमें उससे सीखना चाहिए या फिर नहीं, मैं इतनी बात कह रहा हूं। और हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? समीक्षा करने से फिर सब कुछ नहीं होने वाला साहब, मैं ये कह रहा हूं, जो गरीब है उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? जैसे ही ये वेरिएंट का पता चला, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग कॉल करी, दिशा निर्देश दिया सारे अधिकारियों को, हॉस्पिटल्स को हम सुदृढ़ कर चुके हैं, हॉस्पिटल्स को तैयार रहने की बात कही गई, करने की आवश्यकता, और ये जागरूकता की ही इसका समाधान है, और हम सब लोग मिलकर इसमें लोगों को जागरूक करें। आ बैल मुझे मार, वो कहावत सुनिए सर, आ बैल मुझे मार। आप लोग चुनावी रैलियों में भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं इस बात से बेखौफ होकर कि कोरोना एक बार फिर से फैल गया तो फिर कितने। पश्चिम बंगाल की रैलियों से हमने सबक नहीं लिया, बिहार की रैलियों से हमने सबक नहीं लिया, हमने फिर क्या सीखा? पश्चिम बंगाल में तो मैं खुद था, उस समय की जनता यही कहती थी, उस समय तक फैला नहीं था, पहुंचा नहीं था। अच्छा, जहां चुनाव होता है वहां कोरोना नहीं होता, आप मुझे यही समझा रहे हैं, आप मुझे यही समझा रहे हैं ना कि जहां चुनाव होता है वहां हम कोरोना आने नहीं देते? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कौन सा बड़ा नेता है, ये तमाम तीनों राजनीतिक दल बैठे हुए हैं, तीनों बड़े राजनीतिक दल हैं, इनमें से कोई एक भी राजनीतिक दल ये बोल दे कि हमारे बड़े नेता ने मन से कहा हो कि ये देखो मैंने मास्क पहना हुआ है तुम भी पहनो, वरना रैली में मत आओ। अगर रैली में आना है, जब डॉक्टर साहब कह रहे कि भीड़ सबसे बड़ा खतरा है, ये कह रहे कि आओ आओ आओ, 1,00,000 आओ, 2,00,000 आओ, 3,00,000 आओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बसों से, सरकारी बसों से ढोकर लेकर आएंगे,
लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि चावला जी, कोई बड़ा नेता है जो जिम्मेदारी निभा रहा हो, कह रहा हो कि नहीं कोरोना का खतरा है, मास्क पहन के आओ, मैंने भी पहना है। सबको अपनी अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभानी होगी और इसकी बिल्कुल सरकार की जीत है, भारत की जीत है और आज कोविड से भारत जीता है, इसको स्वीकार करिए। अगर अगर नहीं जीता होता तो ये स्थिति आज इतनी भयावह इस देश में होती? दिसंबर 2 साल पहले वुहान में, मार्च आया तबाही मच गई, पिछले साल दिसंबर नया वेरिएंट आया, तबाही मच गई। अब सुनिए सर, सुनिए, अब एक और दिसंबर आया है, अब ये इत्तेफाक है या फिर कुछ और, इस बार भी दिसंबर है। हम उल्टी गंगा तो नहीं बहा रहे, हम समीक्षा कर रहे हैं। अब जो नया वेरिएंट है, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, जो नया वेरिएंट है, अब वो वीजा देकर थोड़ी ना आएगा कि हम वीजा देके एयरपोर्ट पर कि भैया ये, मैं शक्ति की बात कर रहा हूं, लेकिन जो हमारे घर की शक्ति है वो कहां है कि हम पहले देखेंगे कि नया वायरस वीजा देखकर नहीं आएगा साहब, मैं ये कह रहा हूं आपसे। प्लीज संदीप दुबे जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं और उस बात को लेके सरकार ने संज्ञान भी लिया है और सरकार बिल्कुल चाहती है। लोगों की जीवन भर की पूंजी खत्म हो गई, पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए, बेटा बाप को मुखाग्नि नहीं दे पाया, लाशें कतारों में पड़ी थी। मैं ये कह रहा हूं कि इस बार कोई भूखा ना मरे, कोई पटरी पर ना मरे, कोई ऑक्सीजन के लिए ना तड़पे, हम लोगों को तैयारी करनी है। चुनाव लड़िए, कौन रोक रहा है, लेकिन देश बचेगा तभी तो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, पार्टियां रहेंगी। मैं ये कह रहा हूं कि इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। ये कॉम्युनल वायरस जो फैला रहे हैं, कॉम्युनल वायरस जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बैठकर, वो भी खतरनाक है, उनको भी इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। जो जिन्ना, हिंदू मुसलमान, अब्बा जान भाई जान में उलझा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं वही तो देख रहे हैं। लोगों को जागरूक करना है तो इस ऐसे मंचों से आगे आके लोगों को जागरूक करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। माइग्रेंट लेबर्स के बारे में सोचिए, नंगे पैर वो लोग चले, सैकड़ों मील चले, उनके बारे में सोचिए, वो हालात दोबारा पैदा ना हो।